गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जेनिथ एडटेक सॉल्यूशंस के तरफ से हम लोग दो दिन के लिए करियर जंक्शन 2022 इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये शानबाग फंक्शन हॉल में रहेगा, एमएस के मिल रोड पे, सुबह में 10 बजे से शाम में 6 बजे तक। यहाँ पे दो दिन तक पूरा एजुकेशन एक्स्ट्रावेगेंजा चलेगा, जहाँ पे पूरे चारों यूनिवर्सिटीज़ गुलबर्गा के, उनके अलावा बहुत सारे मशहूर व मारूफ इंस्टीट्यूट्स, पॉपुलर इंस्टीट्यूट जो भी गुलबर्गा में हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग देयर स्टॉल्स देर, जहाँ पे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और एजुकेशनिस्ट आके यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ऑल अंडर वन रूफ फॉर टू डेज़। इसके साथ में यहाँ पे खाली स्टॉल्स, एजुकेशन स्टॉल्स ही नहीं है, अदर हाफ ऑफ द सेक्शन वहाँ पे हम लोग करियर ओरिएंटेड सेमिनार्स रख रहे हैं, जहाँ पे वेरियस करियर एवेन्यूज़ कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन से फ्यूचर में डिमांड में हैं, कौन से जॉब्स में 1 लाख से ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, कौन से स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से कोर्सेज ये गुलबर्गा के इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं। कई सारे यूनिवर्सिटीज़ जो गुलबर्गा में आ गए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका हो, पुरानी यूनिवर्सिटी हमारी गुलबर्गा यूनिवर्सिटी हो, या नए दोनों डीम टू बी यूनिवर्सिटी शरण बसवा यूनिवर्सिटी और केबीएन यूनिवर्सिटी, इनके अंदर इस वक्त 100 से भी या ज़्यादा नए कोर्सेज आ चुके हैं अलॉन्ग विथ ओल्ड कोर्सेज। तो हमारे स्टूडेंट्स को ये पता चलना चाहिए गुलबर्गा के कि कौन से कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज गुलबर्गा में ही अवेलेबल हैं, और उनको बगैर गुलबर्गा छोड़े वो लोग ये प्रोफेशनल कोर्सेज को एक्वायर कर सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश कल्याण कर्नाटका को डेवलप करने के लिए पहला स्टेप है, जहाँ पे हम लोग पहला अवेयरनेस और गुलबर्गा से शुरू कर रहे हैं। हम इसी तरीके से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे जगह पे भी ये काम करना चाह रहे हैं, मगर पहले गुलबर्गा में लोग इसका फ़ायदा उठाएं कि कहाँ कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या फीस रहेगी, कब उनका एडमिशन साइकिल रहेगा, और कौन से जॉब्स का फ्यूचर में डिमांड रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको वहाँ पे पता चलेगी। ओपनिंग प्रोग्राम 10 बजे 18 तारीख को होगा शानबाग फंक्शन हॉल में, और क्लोजिंग प्रोग्राम शाम में 5 बजे और 19 तारीख को होगा। तो अलग अलग डिग्नेटरीज आ रहे हैं ओपनिंग प्रोग्राम के लिए, हमारे प्रोफेसर दयानंद अक्सर गुलबर्गा यूनिवर्सिटी VC, वो हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे, और बसवराज डन्नूर सर, रजिस्ट्रार CUK, वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। क्लोजिंग प्रोग्राम की अभी थोड़ी सी तैयारी चल रही है, उरस के कारण केबीएन यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा अभी हमको डेट्स नहीं मिले हैं, बट क्लोजिंग प्रोग्राम के लिए शरण बसवा यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर निरंजन निष्ठी सर आएंगे, और उसके अलावा वहाँ पे भी हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड वेरियस कैटेगरीज किसके अंदर स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, कौन से कॉलेज में कौन से नए नए कोर्सेस अवेलेबल हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को पता चलेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से, एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन से जुड़े हुए हर वो बंदे से, कि वो दो दिन में एक बार तो इस इंस्टीट्यूट हमारे पास यहाँ पे हमारे इवेंट में एक बार आए और कई सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। अपने लिए नहीं भी हो सकता है तो आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दूसरे लोगों को पास ऑन करें, आप अकेले ना आए, अपने साथ अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव सभी को साथ में लेके आएँ। थैंक यू एवरीबॉडी। सोशल कॉजेस वी आर टचिंग, एक दो सोशल कॉजेस हम लोग टच कर रहे हैं। वन इज़ ट्रैफिक डिपार्टमेंट को हमने बुलाया है, क्योंकि स्टूडेंट्स सारे वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तो दे कैन पास ऑन द इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रैफिक सेफ्टी, रोड सेफ्टी के लिए वो थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, और उसके अलावा वहाँ पे सरप्राइज गिफ्ट्स भी रहेंगे स्टूडेंट्स को। वहाँ पे हम लोग कुछ क्विज वगैरह कंडक्ट करेंगे, जो क्विज में जो लाइक इन स्कोर वगैरह अच्छे करेंगे उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट्स भी अवेलेबल हैं, और पूरी फ्री एंट्री है, देर इज़ नो चार्ज, देर इटसेल्फ इज़ अ बिग सोशल कॉज। इसके अलावा और एक सोशल कॉज जो हम कर रहे हैं कि जो छोटे जो कोई भी कोर्स करने वाला जो स्टूडेंट है उनके पुराने जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो लोग यहाँ पे लाके अपने टेक्स्ट बुक्स हमको डोनेट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स डोनेट करने के लिए उनको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा डोनर का, और साथ में ये टेक्स्ट बुक्स हम लोग वही दो दिन में कोई भी स्टूडेंट्स वहाँ पे जो आएंगे डिजर्विंग स्टूडेंट्स उनको हम लोग ये बुक्स फ्री दे देंगे। तो अगर वो बुक्स हमारे पास बच जाएंगे तो उसके बाद हम किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या कोई छोटे मोटे स्कूल में जाके ये बुक्स हम लोग फ्री बांट देंगे उनके बिहाफ पे, मगर हम ये चाह रहे हैं कि बुक्स यहाँ वहाँ रद्दी में जाने के बदले ये किसी स्टूडेंट्स के, सही डिजर्विंग स्टूडेंट्स के हाथ में जो बुक्स खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके पास ये बुक्स पहुँचे। दैट्स वन ऑफ द सोशल कॉज वी आर ट्राइंग टू टच।